हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे लगातार। ठीक है, एक और चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको फ्री में असाइनमेंट मिलेगा और नोट्स अगर आप खरीदना चाहेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत ही भारी छूट मिलेगी। तो आप चाहें तो हमारे चैनल का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे चैनल पे जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ज्वाइन का बटन। इस ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको हमारे चैनल के प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। जैसे कि ये मैंने अभी क्लिक करा, तो आप इग्नू अगर एम कॉम में हो तो 159 रुपीज पर मंथ जो है आपको पेमेंट करना है। उसके लिए आपको फ्री सॉल्वेट असाइनमेंट मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा हमारे चैनल की तरफ से, साथ ही साथ आपको नोट्स जो है वो भी बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे, जिनको पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। साथ ही साथ अगर आप बीकॉम में हैं तो इसके लिए ये प्राइसेस हैं, एनसीईआरटी 11 12th में की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्राइसेस हैं, तो ये आप कर सकते हो। तो चलिए आते हैं अब हमारे आज के टॉपिक पे, जो की है एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। तो बजटिंग का क्या एडवांटेजेस होता है मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ फिलहाल। तो उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप नए नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स के माध्यम से आपको बजटिंग के फायदे बताने की कोशिश की गई है। मैं आपको एक एक करके इन सारे फायदों के बारे में बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है बजटिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं, बजटिंग लीड्स टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद अ व्यू टू इंश्योरिंग इंश्योरिंग मैक्सिमम रिटर्न, है ना। तो बजटिंग जो है एक तरीके से आपको हेल्प करता है कि आप अपने रिसोर्सेज, जो भी आपकी कंपनी में रिसोर्सेज है, चाहे वो पैसे हो, लेबर हो, मटेरियल हो, आप उसका ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन कर सको और आपको रिटर्न जो है वो भी आपको मैक्सिमम हो। तो बजटिंग इस चीज में आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो बजटिंग में सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि बजटिंग हमारा हेल्प करता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, साथ ही साथ ये इंश्योर करने में कि हमारे जो रिटर्न है वो मैक्सिमम हो। दूसरा पॉइंट है, बजटिंग इंक्रीजेस द अवेयरनेस अबाउट द बिजनेस एंटरप्राइजेस एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ टारगेट्स, है ना। तो बजट एक तरीके से इंक्रीज करता है आपके अवेयरनेस को किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में। आप अगर किसी बिजनेस एंटरप्राइज में काम कर रहे हो और अगर आप बजटिंग क्रिएट कर रहे हो, अगर आप बजटिंग कर रहे हो, तो आपको एक तरीके से जो आपका अवेयरनेस है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज को लेकर के, वो हर एक लेवल के बारे में आपको फुल आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल पे कितने पैसों की जरूरत पड़ी है, इसीलिए आप बजटिंग करोगे, है ना। तो जो भी आपके टारगेट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आपको कैसी बजटिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको हर एक लेवल का आइडिया आपको जो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बजटिंग, राइट। सो दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ बजटिंग। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एडवांटेज, व्हिच इज बजटिंग इज हेल्पफुल इन बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस। डेफिनेटली अगर आपकी बजटिंग बहुत अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि जब आपकी बजटिंग अच्छी होती है तो जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही बेहतर हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिसके जरिए सारे के सारे फंक्शन, सारी की सारी एक्टिविटीज जो है बहुत ही स्मूथली हो पाती है। और इसके कारण से जो भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं आप उसके बीच में जो अंतर है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे जब आप बजटिंग करोगे। सो बजटिंग इज वेरी हेल्पफुल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स टॉक about the D number point. Budgeting is a process of self-examination and self-criticism which is essential for the success of any organization. तो किसी भी organization को successful होने के लिए, किसी भी organization को बड़े मुकाम पे पहुंचाने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति को आप अगर अपना example लोगे, तो आप अगर खुद से बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, आप अगर M.Com pass करना चाहते हो, तो आपके लिए self examination और self criticism बहुत important है। आप जब तक खुद को criticize नहीं करोगे कि मैं time कम दे रहा हूँ, मैं commerce part चला के videos को कम watch कर रहा हूँ, थोड़ा सा promotion हो गया, ठीक है, कम watch कर रहा हूँ, notes कम पढ़ रहा हूँ, हमारे जो हमारे website पे available है जिसका लिंक मैं इस video के description में provide करा दूंगा, तो definitely आपको मार्क्स लाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आप कोर्सेज को कवर नहीं कर रहे हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म होना चाहिए ताकि आप अपने खुद को भी और आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उसको भी आप एक बुलंदियों तक पहुंचा पाओ। तो ये हेल्प करता है बजटिंग। जब आप बजटिंग करते हो तो आप सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म आप कर पाते हो। नाउ बजटिंग मेक्स अ पाथ फॉर एक्टिव पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो बजटिंग जो है एक तरीके से रास्ता बनाता है, एक रास्ता खोल देता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में पार्टिसिपेट करके काम कर सकें और आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है उसका सपोर्ट भी आपको मिलता है। नाउ बजटिंग एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रीफिक्स इट्स गोल्स एंड पुश अप द फोर्सेस टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट।
बजटिंग एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होते हैं उसको प्रिफिक्स करता है। प्रिफिक्स मतलब क्या, आपके जो गोल्स हैं उसको एक तरीके से सामने, आपने प्रिफिक्स सफिक्स आपने नाम सुना होगा कि टर्म के पहले टर्म के बाद, है ना। तो जो भी आपके गोल्स हैं उसको सेट करने के लिए, आपको अचीव करने के लिए आपको जो जो चीजें करनी चाहिए वो करने में आपको बजटिंग हेल्प करेगा बहुत ही ज्यादा। तो बजटिंग एक तरीके से रास्ता बनाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें काम कर सके, और बजटिंग एनेबल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने गोल्स को पहले से सेट कर पाए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोगों को पुश कर पाए और अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए, है ना। नाउ जी नंबर पॉइंट, बजटिंग स्टिमुलेट्स द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड क्रिएट्स एन एटीट्यूड ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। तो बजटिंग एक तरीके से स्टिमुलेट करता है आपकी इफेक्टिवनेस को, आपके जो भी रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करो, जो भी रिसोर्सेज या फिर जो रिसोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर जो आप एटीट्यूड क्रिएट कर रहे हो उसको क्रिएट करने में, उसको बनाने में, कि आपका जो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो भी रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो पाए या उसको आप ठीक तरीके से करो, ये आपके अंदर जो एटीट्यूड डेवलप होता है ये बजटिंग के थ्रू डेवलप होता है। बजटिंग आपको हेल्प करता है कि इस तरह के एटीट्यूड को आप डेवलप कर पाओ ताकि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो कॉस्ट कॉन्शियसनेस है, कितना खर्चा मेरा हो रहा है, वहां उतना हो रहा है, वहां क्यों ज्यादा हो रहा है, इस तरह का जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी सोच है वो डेवलप करने में हेल्प करता है जब आप बजटिंग करते हो। तो बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज द लास्ट पॉइंट, देयर आफ्टर वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग, जो कि इसी वीडियो का पार्ट होगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ताकि जो है एडवांटेजेस और लिमिटेशन दोनों ही कवर हो जाए, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं एच नंबर पॉइंट के बारे में। इट क्रिएट्स द बेसिस फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना, एज डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो आपको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, अपनी अपनी एक्टिविटी होती है, तो उसको एक तरीके से मेजर करने के लिए या फिर उसके परफॉर्मेंसेस को चेक करने के लिए बजटिंग जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो बजटिंग एक तरीके से आपको बेस प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस को मेजर कर सको और उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है उनको रिवॉर्ड दे सको या फिर उनको क्रिटिसाइज कर सको। सो बजटिंग इज वेरी हेल्पफुल इन ऑल दीज एक्टिविटीज, है ना, इन ऑल दीज पॉइंट्स। तो एडवांटेजेस थे ये पॉइंट्स के माध्यम से, मैंने आपको एडवांटेजेस बता दिया है बजटिंग का। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग के बारे में, जो कोई क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मैं सोच रहा था कि किसी और वीडियो में आपको बताता, बट ये मैं फिलहाल आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आपके पॉइंट्स जो हैं लिमिटेशंस और एडवांटेजेस के, वो सारे के सारे जो हैं वो आपके इसी में कवर हो जाए, ठीक है ना। तो ये भी चलिए कर लेते हैं फिर जी। तो ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग। तो बजटिंग का लिमिटेशन अब एक एक करके कर लेते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या लिखा हुआ है, फॉरकास्टिंग प्लानिंग और बजटिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ जजमेंट इज प्रेजेंट इन एनी बजटिंग प्लान। तो बजटिंग के बारे में जो सबसे पहला लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज बताया जा रहा है वो ये है कि पहले से फॉरकास्टिंग करना, पहले से प्लानिंग करना या पहले से बजट तैयार करना, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं होता, ये एग्जैक्ट साइंस का हिस्सा नहीं है। इसलिए बजट को कई बार जज भी किया जाता है कि आपका जो जजमेंट है वो सही नहीं है, आपका जो बजटिंग प्लान है वो सही नहीं है। बट इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो सबसे पहला नुकसान यही है कि ये साइंटिफिक नहीं है, है ना। यहाँ पे आप चीजों को जो है पहले से फॉरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को होने के पहले। जब आप फॉरकास्ट करते हो तो आपको पता नहीं होता कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन जो है वो ये है। बी नंबर पॉइंट है, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस ऑफ बजटिंग इज द एब्सोल्यूट सपोर्ट एंड एंथुसियाज्म प्रोवाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। इफ इट इज लैकिंग एट एनी टाइम द होल सिस्टम विल कोलैप्स। अब ये बजटिंग का डिसएडवांटेजेस तो नहीं हो सकता, ये डिसएडवांटेज है टॉप मैनेजमेंट का। बजटिंग तैयार करने का काम टॉप मैनेजमेंट का होता है। अब बजटिंग के अकॉर्डिंग अगर टॉप मैनेजमेंट काम नहीं करेगी, आपको एक तरीके से मोटिवेट नहीं करेगी, आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी, तो डेफिनेटली आपका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये बात यहाँ भी बोली जा रही है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बजटिंग के सक्सेस होने की, वो ये होती है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करे, आपको एंथुसियास्टिकली आपको सपोर्ट करे, आपके हेल्प आपको आपकी हेल्प करे काम को करने में। अब अगर इसमें किसी चीज की कमी होती है या किसी तरह की दिक्कत होती है, तो उस कारण से आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है, मतलब आपका पूरा बजटिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। सो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा पॉइंट है, बजटिंग शुड बी फॉलोड अप बाय इफेक्टिव कंट्रोल एक्शन। दिस इज ऑफन लैकिंग इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन विच डिफॉल्ट्स द वेरी पर्पस ऑफ बजटिंग। अब बजटिंग करने का जो मेन काम होता है ना, वो ये होता है कि आप फॉलो अप ठीक तरीके से करो, ताकि आपको पता चले कि आप जो बजटिंग में डिसीजंस ले रहे हो वो सही है या गलत है।
है ना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर देखना आपको दवाएं देगा और बोलेगा कि हफ्ते भर या 2 हफ्ते बाद आना, ताकि वो फॉलो अप कर सके, वो कंक्लूजन पे पहुंच सके कि आपको दिक्कत क्या हुई थी, आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई है या फिर नहीं हुई है ना। तो बजटिंग में भी सेम है कि जब आप बजटिंग कर रहे हो तो उसकी इफेक्टिव कंट्रोल के लिए आपको उसको फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और समटाइम्स ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया जाता, जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशन को जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है बजटिंग का, वो यही होता है कि वो फॉलो अप करे, चीजों को चेक करे कि कहाँ पे उनसे दिक्कत हो रही है, कहीं कुछ बजटिंग में दिक्कत हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीजें होना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें नहीं हो पाती है, तो बजटिंग का ये तीसरा जो है लिमिटेशंस है। चौथा पॉइंट है, द इंस्टॉलेशन ऑफ बजटिंग सिस्टम इज एन इलैबोरेट प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम। तो जो इंस्टॉलेशन होता है बजटिंग सिस्टम का, वो एक तरीके से थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है पूरे के पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करने में, या फिर उसको एक तरीके से कार्यान्वित करने में थोड़ा सा समय इसमें लग जाता है, तो इसलिए भी इसको बोला जा रहा है कि ये इसका डिसएडवांटेज है। ई नंबर पॉइंट, जो कि पांचवा पॉइंट है, इट इज ओनली अ सोर्स एंड नॉट अ टारगेट एंड हेंस कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अब जब देखो बजट होता है वो एक सोर्स होता है ना, ये टारगेट आपका नहीं है कि आपको इसी टारगेट के भीतर आपको करना है। बजटिंग में जो भी आप करते हो सकता है कि बजटिंग के बाहर भी आपका खर्चा हो जाए या बजटिंग के अंदर भी रहे, है ना। तो ये मेनली जो काम होगा वो तो मैनेजमेंट का ही होगा, इसीलिए बजटिंग जो होता है वो एक सोर्स होता है, ना कि कोई टारगेट होता है। व्हाइल इट इज ओनली ए टूल ऑफ मैनेजमेंट, तो बजटिंग क्या है, जस्ट एक टूल है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट ही एक तरीके से सारा काम करता है। दस बजट शुड बी रिकॉर्डेड नॉट एज अ मास्टर बट एज अ सर्वेंट, इसलिए बजट को एज ए मास्टर नहीं ट्रीट करना चाहिए बल्कि एज अ सर्वेंट ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मास्टर जो होता है वो मैनेजमेंट होता है, लेकिन समटाइम्स मैनेजमेंट पूरी तरीके से बजट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, फ्लेक्सीबिलिटी शो नहीं करती, जिसके कारण से उनको दिक्कत होती है ना। तो बजट में भी बहुत टाइम आपको फ्लेक्सीबल होने की जरूरत पड़ती है, बजट को भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना। सो इसीलिए बजट को कभी भी एज ए मास्टर ट्रीट नहीं करना चाहिए बल्कि एज अ सर्वेंट ट्रीट करना चाहिए, ये इसका पांचवा डिसएडवांटेज है। छठा डिसएडवांटेज का हो गया, इट रिक्वायर्स द एक्सपीरियंस्ड मैन पावर। डेफिनेटली बजटिंग में मैन पावर की एक्सपीरियंस्ड मैन पावर की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, एनालिसिस तो आपको करना ही पड़ेगा, कंट्रोल ईटीसी, हेंस इट इज कॉस्टली अफेयर, और ये बहुत ही कॉस्टली होता है बजटिंग का जो प्लान होता है, बजटिंग करना ये बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मैन पावर की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, एक बहुत ही अच्छे एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण से ये जो सारी एक्टिविटीज होती है ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो ये इसका आखिरी जो है लिमिटेशन था। तो एक ही वीडियो में मैंने एडवांटेजेस और लिमिटेशन बता दिए हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया भाई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में, और हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, मेंबरशिप प्लान के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इनके बारे में मैं डिटेल में कभी एक वीडियो में बता करके आपको बताऊंगा डिटेल में कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। फिलहाल जो 3 मैंने बेनिफिट्स बताए हैं कि असाइनमेंट आपको फ्री में मिलेगा, नोट्स पे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, और आप एक तरीके से इग्नो के साथ साथ आप कॉमर्स की पाठशाला के भी स्टूडेंट बनोगे, और कॉमर्स की पाठशाला में आपको हर एक तरह की हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो एडमिशन के रिगार्डिंग हो, री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हो, असाइनमेंट के रिगार्डिंग हो, हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी, और आपको हेल्प भी कराई जाएगी कि आप जो है ठीक तरीके से काम को कर सको, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।